हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी गिफ्ट रीडिंग है बिकॉज ये बर्थडे मंथ चल रहा है सजिटेरियस का, फ्रॉम 21 नवंबर टू 21 दिसंबर। सो वन बाय वन मैं हर साइन के साथ आपकी रीडिंग करूँगी सजिटेरियस, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग सजिटेरियस। इस साइड पे मैं सजिटेरियस के कार्ड रखूँगी, यहाँ पर मैं दूसरे साइन के कार्ड्स होंगे यहाँ। सो सजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं इस टाइम पे। फर्स्ट मैसेज इज़ द वर्ल्ड फॉर सजिटेरियस। 6 of Wands, Page of Cups, okay, Page of Cups, and one more card, Hierophant. सो सजिटेरियस, आप इस वक्त एक ऐसे प्रोसेस में हैं जहां पर आप अपने विक्टोरियसली कम आउट हो रहे हैं किसी ऐसी मुश्किल से। हो सकता है कि आपका एक लाइफ का एक प्रोसेस जो है वो एंड हुआ है। लाइक आप किसी ऐसे प्रोसेस में थे जिसमें आपको कुछ लर्न करना था अपनी लव लाइफ के हवाले से, और अब आप वो चीज़ रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि आप किस चीज़ में लैग कर रहे थे अपनी लाइफ में। अब आप उस चीज़ से कम आउट हो रहे हैं, और ये टाइम है आपके पास जहाँ पर नए प्रपोजल्स आ सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ ब्रेकअप्स चल रहे थे अपने पार्टनर से, तो उससे बेहतरी आ सकती है। लाइक अगर कुछ रिजॉल्वमेंट की ज़रूरत थी आपकी लाइफ में, तो वो अब इस टाइम फ्रेम में पॉसिबल हो सकता है। और जो लोग रिलेशनशिप में है और उनका रिलेशनशिप स्मूथली चल भी रहा है, तो और या तो वो मैरिज रिलेशनशिप में हैं, तो वो वहाँ पर आपकी लव लाइफ में एक रिफ्रेशमेंट आएगी, कुछ नई चीज़ें होंगी, कुछ नया प्रोसेस शुरू होगा, एक नई चीज़ की शुरुआत आपकी लव लाइफ में हो सकती है। लाइक आप एक नई एनर्जी, अपने नयापन अपनी लव लाइफ में फ़ील कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि फुल मून जो है वो जेमिनाइज में है इस मंथ ऑफ दिसंबर में, तो आपके पार्टनरशिप सेक्टर, इसमें आपकी लव पार्टनरशिप्स भी आ सकती हैं, चाहे वो मैरिज हो चाहे वो नॉन मैरिज, लाइक लव कनेक्शंस हो। तो जो लोग लव कनेक्शन में हैं उनका कनेक्शन बहुत अच्छा है। इस टाइम पे आपकी मैरिज होने का इम्कानात हो सकते हैं, लाइक मैरिज होने के चांसेस हो सकते हैं। और ये फुल मून जो है वो किसी भी तरीके से आपकी लव लाइफ में एक क्लोजर लेके आता है। अगर आप बहुत अरसे से ब्रेकअप में थे, तो एक या तो आपको कम्प्लीटली ब्रेकअप, लाइक कम्प्लीटली आप उस रिलेशनशिप से निकल जाएंगे, या फिर आपके लव लाइफ में कुछ ऐसा आपको पॉइंट मिल सकता है कि आप दोबारा से अपनी लव लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक या तो आर या तो पार वाली सिचुएशन इस फुल मून में होती हैं। या तो आपकी लव लाइफ में एक आपको कंप्लीशन मिलेगा कि अगर आप लाइक लव कनेक्शन में थे तो आप उसको मैरिज में बदलना चाहते हैं, तो मैरिज में बदल सकते हैं। अगर आप ब्रेकअप में थे तो आपका पैचअप हो सकता है, या फिर पैचअप हो सकता है, या फिर आप इस पॉइंट पे आ सकते हैं। कोई भी कंक्लूजन निकल सकता है कि या तो आपको दोबारा से एक साथ रहना है, या फिर आपको ब्रेक अपार्ट होना है, लाइक आपको अलग होना है इस पर्सन से। सो ये एक कंप्लीशन है, एक क्लोजर आपको मिल रहा है आपके लव लाइफ के हवाले से। जो लोग सिंगल हैं उनको बहुत सारे प्रपोजल्स, मैरिज प्रपोजल, कमिटमेंट प्रपोजल्स मिल सकते हैं इस मंथ ऑफ दिसंबर में। सो वन बाय वन मैं आप लोगों की रीडिंग्स करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग्स। सो जो सजिटेरियस कैंसर से डील कर रहे हैं, देखते हैं कि उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। जो सजिटेरियस कैंसर से डील कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपकी म्यूचुअल एनर्जी क्या है इफ़ यू आर डीलिंग विद कैंसर्स। कोई एक पर्सन जो है वो स्पाई कर रहा है दूसरे पर्सन पर, इंफॉर्मेशन लेना एक दूसरे के बारे में, बट या तो कम्युनिकेशन का स्टार्ट कोई एक पर्सन कम्युनिकेशन का स्टार्ट चाहता है, सीक्रेटली वो किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। कैंसर्स, आप जो है अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, लाइक आप अपनी सिंगल लाइफ को सिंगल है और रेडी टू मिंगल हैं, लाइक आप अभी इस टाइम किसी रिलेशनशिप में नहीं है और हो सकता है सजिटेरियस की तरफ से आपको कोई लव ऑफ़र हो रही है, कमिटमेंट ऑफ़र भी हो रही है और कोई एक पर्सन सीक्रेटली एडमायर कर रहा है किसी को, हो सकता है सजिटेरियस सीक्रेटली एडमायर कर रहे हों कैंसर्स को। थ्री ऑफ सोर्ड्स, आप दो के कैंसर जो है वो सिंगल हैं, जस्ट वो हार्ट ब्रोकन भी हैं, साथ साथ वो लाइक हो सकता है अभी अभी किसी रिलेशनशिप से बाहर आए जिसमें वो उनको थर्ड पार्टी का सामना था, लेकिन अब वो बिल्कुल अपने आप को सिंगल रखना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास कमिटमेंट है, सजिटेरियस की तरफ से कैंसर्स के लिए कमिटमेंट है, बट यहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन ये हो कि सजिटेरियस जो है वो ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं, सजिटेरियस ऑलरेडी कमिटेड हैं, बट उनकी तरफ से एक लव ऑफ़र हो रही है, सीक्रेटली एडमायरिंग, इंफॉर्मेशन गेट करना किसी के बारे में। एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, ये ज़रूरी नहीं है कि लव ऑफ़र की वजह से न्यू बिगनिंग है, लव कनेक्शन में भी न्यू बिगनिंग हो सकती है, बट आपकी फाइनेंशियल न्यू बिगनिंग भी हो सकती है। स्टेबिलिटी, ओवरऑल स्टेबिलिटी, चाहे वो लव लाइफ के थ्रू आए, चाहे वो फाइनेंशियली आए, बस एक स्टेबिलिटी की शुरुआत आपकी लाइफ में इस वक्त हो रही है फ्रॉम कैंसर। और ये ऑफ़र कमिटमेंट की ऑफ़र लॉन्ग टर्म हो सकती है, क्योंकि सजिटेरियस जो है वो कमिट करना चाहते हैं फॉर मैरिज, और अगर यहाँ पे सजिटेरियस ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सजिटेरियस की तरफ से आ रही है। बट जो कैंसर है वो इस वक्त हार्ट ब्रोकन है और अभी वो सिंगल रहने को प्रेफर कर रहे हैं, यहाँ पर सिंगल रहना चाहते हैं, बट वो दो के सजिटेरियस के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और हो सकता है सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही जो कैंसर्स हैं वो अपना स्टार्ट लेंगे, अपनी ऑफ़र उस कमिटमेंट ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपनी तरफ से भी लव ऑफ़र, लाइक लव को शो कर सकते हैं टूवर्ड्स सजिटेरियस आफ्टर गेटिंग ऑल इन्फॉर्मेशन। कोई एक पर्सन जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करा है किसी एक पर्सन के बारे में, हो सकता है ये कैंसर्स हों क्योंकि वो पहले थर्ड पार्टी में रह चुके हैं या फिर उनको ये डाउट हो गए कहीं ऑलरेडी मैरिड तो नहीं है सजिटेरियस। तो यहाँ पर ये एनर्जीज वाइस और सभी हो सकती हैं कि कोई जैसे आपसे ये पैन आउट करें आप उसी तरीके से इसको ले लें। ये एनर्जी सजिटेरियस की हो सकती है, ये एनर्जीज कैंसर की हो सकती हैं, तो किसी जैसे भी आपसे पैन आउट करिए वैसे ले। तो यहाँ पर जो कैंसर्स हैं वो अभी हार्ट ब्रोकन हैं और अपनी रिलेशनशिप लाइफ में एंटर नहीं होना चाहते, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर गेटिंग ऑल इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हो सकता है कुछ अरसे बाद जाकर कैंसर जो है वो भी अपना लव शो कर सकते हैं टुवर्ड्स सजिटेरियस, बट फॉर दिस टाइम फ्रेम जो कैंसर्स हैं वो सिंगल रहने को प्रेफर कर रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।